भूषण दस तिहाई दस तीस डी आई महाशक्ति, इसकी मैन सील लीज होगी थी यहाँ से। और यह देखिए अभी हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं और साफ सफाई करने के बाद दिखाएंगे। इसमें काफ़ी गंदगी थी, इसने अभी हमने खोला है, खोलते हुए की तो हमने फिटिंग की वीडियो बनाई नहीं, मगर जोड़ते हुए की पूरी कंप्लीट वीडियो करेंगे इसकी। यह देखिए इसकी वॉशिंग चल रही है, इतने साफ सफाई ठीक से नहीं होगी, इतने काम करने में भी मज़ा नहीं आता, साफ सफाई जरूरी है। ये ऐसा ही था इधर भी, ये हमने एक क्लीन कर लिया है। और ऐसे ही यहाँ से करेंगे इसको, यह देखिए क्लीनिंग कर ली हमने इसकी। और जैसा हमने बताया देखो साफ सफाई बहुत जरूरी है। देखो कितनी गंदगी निकली है इसके अंदर से, वो दिखाई दे रही होगी आपको। देखिए ये सब गंदगी इसके अंदर से निकली है। अब हम इसकी सील लाते हैं, टैफे की जेनुअन मंगाई है हमने सील। यह देखिए हमने सील मंगा ली है, टैफे की जेनुअन मंगाई है, और इसका पार्ट नंबर सील का ये है, और MRP 1093 रुपये MRP है इसकी। और इसके अंदर से निकाल कर देखते हैं, ये सील निकली है इससे, ये लोहे की फ्लैंज में सील मंगाई है हमने। ये देखिए, और ये सील जल्दी से लीकेज नहीं हो पाती, और इस पर कोई पैकिंग वगैरह नहीं लगता है। सील को लगाएंगे, लगाने से पहले हमने साफ सफाई करने के बाद फिर भी 0 नंबर का एमरी पेपर लेके इसको देखना है कहीं पे कचरा वगैरह ना हो, अच्छे से क्लीन करके और कपड़ा मार के फिर पेट्रोल से साफ करके तब सील को लगाएंगे। यह देखिए अच्छे से क्लीनिंग कर ली हमने इसकी, और ये यहाँ पे डबल का हिस्सा ऐसे मिला देना है, और इस प्रकार से सील को यह देखिए सही बोल्ट को प्री टाइट करेंगे, पहले हाथ से चूड़ी चढ़ाएंगे इनकी। री टाइट करने के बाद फिर इसको 13 गटी हैंडल के साथ, सॉरी 11 नंबर के हाइड है इनका, थ्रेड साइज M80 है, M80 की थ्रेड है।
आमने सामने के दो बोर्ड लगाएंगे इसके। देखिए ये क्लच प्लेट है, ये अमरीप कंपनी की है, इस पे फ्लाईव्हील साइड लिखा हुआ है, सब कुछ जाता है। ये देखिए यहाँ भी हमने एमरी पेपर लगा लिया है और ये ठीक है, चलेगी अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी केवल हमने वॉशिंग की है। ये देखिए लगाएंगे इसको, इन बोल्टों को लगाएंगे यहाँ पर चारों तरफ क्रॉस वाइज बोल्ट खींचते हुए, सभी बोल्टों को बराबर खींचेंगे इनको। और फ्लाईव्हील खींचें या ये बोल्ट खींचने पड़े और आदमी अकेला हो तो यहाँ पे ये बोल्ट को इस तरीके से लगा लें। यहाँ पे बोल्ट लगाया है, ये हमें इसके क्लच की यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी फिंगर ज़्यादा दब गई है। यह देखिए सेंटर ब्लॉक की सहायता से हमने तीनों फिंगर सेट कर लिए हैं। इतना ही गैप हमने तीनों में बराबर बराबर रखा है सेंटर ब्लॉक की सहायता से। अब हमारी ये क्लच की जो पूरी होगी, इधर से वॉशिंग भी दिखाया आपको पहले कितना गंदा था, और अब इन दोनों को जॉइंट कर दें जो इसकी यहाँ पे पूरी फिटिंग कर दी है हमने। अभी हमें इसमें सर्विस भी करनी है इसकी, और ब्रेक वगैरह करेंगे इसके। ये इधर भी हमने इसमें सेल्फ वगैरह ये सब लगा दिया है, टायर और डंडा, ये यहाँ के हैं सभी बोल्ट राउंड के, ये सभी लगा दिए हैं। टायर रोड का नट भी यहाँ से